अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज कोलिजन थ्योरी। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट एंड व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। जब भी आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसके अंदर या तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है या बॉन्ड की ब्रेकेज होती है। मतलब कि या तो बॉन्ड बनता है, ठीक है, या फिर बॉन्ड टूटता है। दीज चेंजेस आर एकम्पाइंड बाय चेंजेस इन एनर्जी। अभी जो चेंजेस आ रही हैं, बॉन्ड का बनना या बॉन्ड का टूटना, इसमें होती क्या है, एनर्जीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक केमिकल बॉन्ड है, ठीक है, वो बन रहा है, तो बनते वक्त क्या होगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अगर आपने केमिकल बॉन्ड को तोड़ना है तो आप क्या करोगे, उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे। सो कोलिजन थ्योरी हैज बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। अब काइनेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स हमें बताता है कि कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है। ठीक है, अब जो कोलिजन थ्योरी है ये प्रपोज की गई थी, इसका बेसिक पर्पस क्या था, रिएक्शंस किस स्पीड से जा रहे हैं, उनके काइनेटिक्स क्या हैं, ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए कोलिजन थ्योरी प्रेजेंट की गई थी। फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर द कंबाइनिंग एटम आर मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद वन अनदर। अच्छा, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें आपके पास होते क्या है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स, उनका एक दूसरे के साथ कोलिजन जो है वो लाजमी है, जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो एटम है, ठीक है, ये आपके पास एटम ए है, ठीक है, इट रिएक्ट एटम बी। तो आपके पास क्या है, जब तक ये कोलाइड नहीं होंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ टकराएंगे नहीं, तो तब तक इनसे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोलिजन जो है एक दूसरे के साथ इन एटम की या मॉलिक्यूल की होना जरूरी है। दीज कोलिजन में बी इफेक्टिव आर इनइफेक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल। ये दो चीज़ें जो हैं, इनको आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, एक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती हैं कोलिजन्स, और दूसरी जो है प्रॉपर ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब इसकी एग्जांपल आप लोग ऐसे समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल क्रिकेट का मैच हो रहा है, ठीक है, उसमें बॉलर जो है वो बॉल कराता है, अगर बैट्समैन के बल्ले पे जो बैट होता है वो अगर सही डायरेक्शन में उस बॉल को हिट करेगा तो क्या होगा, सिक्स होगा, ठीक है, बाउंड्री लाइन से बॉल जो है बाहर जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पास क्या है, इफेक्टिव शॉट उसने खेली है। लेकिन अगर उसके बैट के साइड पे टच होता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है कि वो पीछे जो कीपर खड़ा हुआ है या स्लिप में जो भी बंदे खड़े हुए हैं वो उसको कैच कर लेंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसने इनइफेक्टिव शॉट खेली है। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन में क्या होता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, उससे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है। इसी तरह अगर इनइफेक्टिव में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो या तो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है या फिर उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन में जो है कोलिजन नहीं हो पाती है। इफेक्टिव कोलिजन कैन टेक्स प्लेस ओनली इफ द एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल इज हाई इनफ टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द रिएक्टिंग पार्टिकल। याद रखें कि आपके पास लेट्स ये एक एटम ए है, ठीक है, इट रिएक्ट विद अनदर एटम बी। अब यहाँ से क्या बनना है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, इसको हम कह देते हैं पी। अब होता है क्या है, हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, केमिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम कहते हैं ना कि ये जो ए है इसके अराउंड क्या होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह बी है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है या एटम है, इसमें भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमें पता है ना कि नेगेटिव चार्ज जो है अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो वो आपस में क्या करते हैं, इनके बीच में रिपल्शन होती है, ठीक है, हम आर ई पी लिख देते हैं, आर ई पी इज फॉर रिपल्शन। तो अपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। अब अगर हमारे पास दो एटम या मॉलिक्यूल जो है आपस में रिएक्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके बीच में एक बात तो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगी, रिपल्शन होगी। अब अगर उनके पास इतनी एनर्जी है, इन दोनों एटम के पास इतनी एनर्जी है कि ये इस रिपल्शन को ओवरकम कर सकती हैं, तो तब क्या होगा कि रिएक्शन पॉसिबल है, फिर रिएक्शन होगा एटम या मॉलिक्यूल के बीच में, प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन होगी। लेकिन अगर इनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं है कि ये इस रिपल्सिव फोर्सेस जो आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनको ओवरकम ही नहीं कर सकती, तो फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे।
Proper orientation means that at the time of collision, the atoms which are required to make new bonds should collide with each other. अब प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि जब कभी आपके पास दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं ताकि इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बने, तो वहां पे होता है क्या है कि उनके दरमियान कोलिजन जो है वो लाजमी है. अगर कोलिजन नहीं होगी तो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, नया केमिकल बॉन्ड जो है वो नहीं बनेगा. अब यहाँ पे आपके पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है किस चीज की, एक्टिवेशन एनर्जी की. वो क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which the particle must possess for effective collision is called activation energy. और वो एनर्जी जो कि किसी भी एटम के लिए या किसी भी पार्टिकल के लिए या किसी भी मॉलिक्यूल के लिए लाजमी होती है, रिक्वायर्ड होती है ताकि इफेक्टिव कोलिजन कर सके और प्रोडक्ट्स में वो कन्वर्ट हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. द रिएक्शन will not occur if energy of reacting particle is less than activation energy. याद रखें कि आपके पास रिएक्शन तब होगा जब आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है, जब मॉलिक्यूल्स की अपनी जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी. लेकिन आपके पास रिएक्शन कभी भी नहीं होगा जब तक मॉलिक्यूल या पार्टिकल की अपनी एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी. अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है, इसको आप यूं समझो कि ये एक पहाड़ होता है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है, इसको ओवरकम करना जो है ये लाजमी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एफएससी कर लेते हो ना, एफएससी के बाद आपकी ख्वाहिश होती है कि आप डॉक्टर बनो, आप आर्मी के ऑफिसर्स बन जाओ या इसी तरह आप इंजीनियर्स बन जाओ. अब इस पोस्ट पे आने के लिए आपको क्या करना होता है, एक पहाड़ है उसको आप ओवरकम करोगे तो उसके बाद बनोगे. वो क्या है कि आप एंट्री टेस्ट में अपीयर होते हो. किसी भी जॉब के लिए या किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए आप एंट्री टेस्ट देते हो जो आपके लिए एक पहाड़ की मानंद होता है. अगर आप उस पहाड़ को ओवरकम करोगे तो तभी जाके आपकी सिलेक्शन होगी. तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये भी आपके पास वही है कि अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर सकते हैं कोई एटम या मॉलिक्यूल तो फिर क्या होगा, उससे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी. दस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. अब किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी. ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी लेसर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. अच्छा अब देखें, आपके पास दो स्टेट्स हैं, एक आपके पास रेड वन है, दूसरे को हम यहाँ पे इस तरह ग्रीन लिख लेते हैं, ठीक है. दो आपके पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ये उनकी एक्टिवेशन एनर्जी है. अब अगर हम देखें तो ये जो रेड वन है इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो ज़्यादा है, ठीक है, ये जो है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है. लेकिन अगर हम दूसरी की बात करते हैं जो ग्रीन वाला है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कंपैरेटिवली लेस है, ठीक है. यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लेस है, तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लेस होगी वो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा. सो ये जो ग्रीन वाला है इसके लिए हम लिख लेते हैं कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी चूंकि कम है तो इसका रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा. अब ये जो रेड वाला है, ठीक है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या है, ज्यादा है, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो स्लो होगा, ठीक है, इट विल रिएक्ट स्लोली. सो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, द ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी लेसर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. दिस इज बिकॉज ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज बिकॉज स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल प्रोसेसेस इनफ एनर्जी टू रिएक्ट. On the other hand, if activation energy is smaller, a larger number of molecule can bring about effective collision. Hence, higher will be the rate of reaction. ये वही है जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया. But still, अगर कोई confusion हो तो आप लोग comment section में पूछ सकते हैं. अब यहाँ पे next जो है आपको quick example दे रहा है book वाला, ठीक है. अब इस example के according, consider a reaction between A molecule and B molecule to form a new molecule AB. अब यहाँ पे ये आपके पास क्या है, this is A2, ठीक है, ये दो एटम आपके पास A के हैं तो इसको हम मॉलिक्यूल पढ़ते हैं. इसी तरह this is B2. अब कह रहा है कि आपके पास रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद इससे हमारे पास क्या बनता है, AB की फॉर्मेशन होती है. ये आपके पास क्या है, this is the product. ये जो आपके पास है, these are reactants. If these molecule possesses energy equal to or more than activation energy, then upon collision their bond will break and new bond will be formed. जैसे हम लोगों ने ऊपर इसको डिस्कस किया
अगर इन मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा कि इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं इनकी क्या होगी, ब्रेकेज होगी और इन एटम्स के दरमियान जो है न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। इन एन इफेक्टिव कोलिजन द मॉलिक्यूल फॉर्म एन अनस्टेबल स्पीशी कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जब कभी आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल के पास इनफ एनर्जी हो ताकि वो रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम कर सके या एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर सके, तो वो क्या करता है कि वो एक आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, सिंस इट इज अ हाई एनर्जी स्पीशी इट इज शॉर्ट लाइफ एंड क्विकली ब्रेक्स डाउन टू द प्रोडक्ट्स। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बना है, ये आपके पास ये है कि ये जो आपके पास बॉन्ड है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे इनसर्कल कर लेते हैं रेड के साथ। ये जो दो बॉन्ड्स हैं इसको अगर आप देखें तो आपकी बुक ने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी क्या हो रही है, ब्रेकेज हो रही है। ठीक है, इन बॉन्ड्स की क्या हो रही है, ब्रेकेज हो रही है। और अल्टरनेटिवली ये जो बॉन्ड्स आपके पास ए और बी के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं इनकी फॉर्मेशन हो रही है। तो हम इसमें लिख लेते हैं एफ, ठीक है, एफ फॉर फॉर्मेशन, और इसको हम लिख लेते हैं बी फॉर ब्रेकेज। ठीक है, अब ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बनता है इसलिए हम इसको कहते हैं शॉर्ट लाइफ। और थोड़ी देर के बाद ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। टूटने के बाद हमारे पास कुछ बॉन्ड जो है, जैसे मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, इन बॉन्ड्स की क्या हो जाती है, ब्रेकेज हो जाती है। सिमिलरली ये जो बॉन्ड है इसमें भी हम बी लिख लेते हैं, और ये जो बॉन्ड है इसके लिए हम एफ लिख लेते हैं क्योंकि फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो स्टेट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। इसके बाद जब ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। इसको हम लिख लेते हैं पी फॉर प्रोडक्ट्स। इन एन इफेक्टिव कोलिजन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर स्लो डाउन जस्ट बिफोर कोलिजन। अब मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के करीब आते हैं। जब ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो फिर ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे इनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। देयर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एंड दिस रिजल्ट इन द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जब ये मूव कर रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है, मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन जब एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब याद रखें मोशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। आप ये लिख रहे हैं ना आपकी बुक में कि जब ये मॉलिक्यूल या एटम एक दूसरे के करीब आएंगे, जितना करीब आएंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉप होने के करीब आते हैं, जब रुक रहे हैं तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो रही है। सो द एक्टिवेशन एनर्जी अपीयर्स एज अ हिल बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये आपके पास एक हिल का काम करती है, एक बहुत बड़े पहाड़ का काम करती है, कि अगर कोई भी एटम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, कंबाइन होंगे, तो उसको ये जो पहाड़ी है, ये जो पूरा पहाड़ है, इस पहाड़ को क्या करना होता है, ओवरकम करना होता है। जो एक्टिवेशन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है या ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या होता है, इस तरह हाई एनर्जी पे होता है। ठीक है, आप किसी भी मॉलिक्यूल को अगर इफेक्टिव कोलिजन करनी है तो ये इस तरह मूव करते हैं, इस स्टेट पे आते हैं, ये शॉर्ट लाइफ होता है। यहाँ से आपके पास जब नीचे आते हैं तो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, इस पहाड़ी को ओवरकम करने के बाद हमारे पास क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। मॉलिक्यूल मस्ट फर्स्ट क्लाइंब द एनर्जी बैरियर बिफोर दे कैन रोल डाउन द हिल टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अब कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए ये लाजमी होता है कि वो ऐसे इस पहाड़ी के ऊपर ऐसे ऊपर जाएंगे, चढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे नीचे उतरेंगे, तब जाके इनकी क्या बनेगी, प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। अगर मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इसके ऊपर क्लाइम कर सकें तो क्या होगा, उनके प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। ओनली द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल विद प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी डू सो। अगर एटम के पास या मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो तब क्या होगा कि इस बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड इफ दे लैक प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी दे विल बी अनेबल टू रीच द टॉप ऑफ द हिल एंड फॉल बैक केमिकली अनचेंज्ड। ठीक है, अगर इनके पास एनर्जी नहीं होगी तो होगा क्या, ये ऐसे मूवमेंट करेंगे लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। एनर्जी खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा, ये वापस
आ जाएंगे और इनके अंदर केमिकली कोई चेंज नहीं आएगी। इसकी एग्जाम्पल ऐसी है कि अगर आपके पास एक एथलीट है, ठीक है, और उसका आप मुकाबला करवाते हैं एक 90 ईयर्स ओल्ड बूढ़े आदमी के साथ। अब एथलीट्स क्या करेगा, उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है ना, तो वो ऊपर ऐसे क्लाइम कर जाएगा, लेकिन जो बूढ़ा है वो बेचारा आधे रास्ते तक जाएगा, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, वो क्या करेगा, या तो वहीं पे बेहोश हो जाएगा या फिर दोबारा से नीचे वापस आ जाएगा। इसकी एग्जाम्पल ऐसे आप इसको समझ सकते हो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास लिखता है कि द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम कैन आल्सो बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द एंथैल्पी चेंजेस। एंथैल्पी क्या होती है, हीट चेंजेस की जब हम बात करते हैं, कहता है कि आप जो पोटेंशियल एनर्जी है इससे आप हीट चेंजेस के बारे में भी आइडिया ले सकते हो। द हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। अब जो हीट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, जिसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच इज द एंथैल्पी। अब ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास होता है कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर एट अ लोअर एनर्जी लेवल देन द रिएक्टेंट। जब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, एक्सो का मतलब है आउट, ठीक है, एक्सो का मतलब है आउट या बाहर, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दोज आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है और रिएक्टेंट जो है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे आपके पास ये जो है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपके पास है, दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है, एनर्जी गिवन है, और यहाँ पे आपके पास रिएक्शन पाथ जो है वो गिवन है, सॉरी दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द y-axis पे आपके पास क्या है, एनर्जी है, और x-axis पे आपके पास क्या है, रिएक्शन पाथ गिवन है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, सो दीज आर रिएक्टेंट्स वाइल दिस इज द प्रोडक्ट। आप अगर देखो तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो होती है जीरो, फिर लेट से ये टू, फिर ये फोर किलो जूल पर मोल, सिक्स किलो जूल एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि आप नीचे से जब ऊपर जा रहे हो, मूव कर रहे हो, तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप प्रोडक्ट्स की एनर्जी देखते हो, ये देखें, यहाँ से मैं इसको एक और कलर ले लेता हूँ ताकि आप विजिबल हो। यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, वो तकरीबन टू की इक्वल है, लेकिन जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो क्या है, वो ज़्यादा है, वो तकरीबन इसको हम कह देते हैं कि सिक्स किलो जूल पर मोल। तो अगर आपके पास इस टाइप का कोई आपको जो है कर्व नजर आए, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में हमारे पास क्या होता है कि हमेशा जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो होते हैं हाई एनर्जी पे, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं हाई एनर्जी, जो रिएक्टेंट है दीज आर ऑलवेज एट अ हाई एनर्जी। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होते हैं, लो एनर्जी पे होते हैं। अब ये जो दूसरा है, ये जो बी है, इसको अगर हम देखें तो इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब क्या है, अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हीट एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जिन केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दोज आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम आपके पास जो वाई एक्सेस है, यहाँ पे एनर्जी है और ये एक्स एक्सेस है, यहाँ पे रिएक्शन का जो पाथवे है वो गिवन है। यहाँ पे अगर आप देखो जो रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट आपके पास क्या है, लो एनर्जी पे है, ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ठीक है, इट इज एट हाई एनर्जी। सो इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है और कौन सा जो है वो एंडोथर्मिक है। अब आपको वही बता रहे, जो आपको मैं बता चुका हूँ, एंडोथर्मिक प्रोसेस द प्रोडक्ट आर एट अ हाई एनर्जी, आपको मैं बता चुका हूँ। इन बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज एन एनर्जी बैरियर विच मस्ट बी क्रॉस बिफोर द प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म। चाहे वो एंडोथर्मिक हो चाहे वो एक्सोथर्मिक हो, ये जो आपके पास है ना, ये इसको ओवरकम करना जो है वो मॉलिक्यूल्स के लिए लाजमी होता है। इफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज नॉट अवेलेबल टू द रिएक्टिंग पार्टिकल द रिएक्शन विल नॉट स्टार्ट। अगर मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तो फिर वो रिएक्शन जो है वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगा, उससे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू कम्प्लीट द रिएक्शन। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसको आपने कंटिन्यूसली हीट देनी होती है, जितना आप हीट दोगे उसको एनर्जी मिलेगी, जितनी एनर्जी मिलेगी वो एक्टिवेटेड जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको इजीली ओवरकम कर सकेगा। सो
डियर व्यूअर्स, दिस वॉज ऑल अबाउट कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेशन एनर्जी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको आंसर्स दे सकूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.